ये कहानी जॉन नाम के एक ऐसे लड़के के ऊपर आधारित है जो लड़कियों को पकड़कर उनके शरीर की खुशबू से परफ्यूम बनाता है। अब अपने इस काम को करने के लिए वो उन लड़कियों के साथ क्या क्या करता है, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है परफ्यूम और ये फिल्म 2006 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो किसी जेल में कैद होता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उस लड़के को घसीटते हुए जेल से बाहर ले जाते हैं। फिर वो लोग उस लड़के को जेल की बालकनी में लेकर आते हैं जहाँ पर हजारों की तादाद में लोग उसे देखने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। वो लोग उस लड़के को खूनी और दरिंदा बुलाते हैं और तभी वहाँ पर जेलर सभी के सामने ये ऐलान करता है कि 2 दिन बाद उस लड़के को शहर के बीचों बीच सभी के सामने बांधा जाएगा और उसके शरीर की हड्डियों को तब तक तोड़ा जाएगा जब तक इसकी जान ना निकल जाए। अभी सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ पर हम एक फिश मार्केट में फिश बेचने वाली एक औरत को देखते हैं जो वहीं पर एक बच्चे को जन्म देती है। इस औरत के पहले भी 4 बच्चे मरे हुए पैदा हुए थे, इसलिए उसे लगता है कि शायद उसका ये बच्चा भी मरा हुआ पैदा हुआ है, इसलिए वो उस बच्चे को वहीं पर ही छोड़ देती है। पर तभी वो बच्चा रोने लगता है और बाहर सभी लोग उस बच्चे की आवाज सुन लेते हैं, जिससे उन लोगों को लगता है कि शायद इसकी माँ ने इसे मारने की कोशिश की है, जिस वजह से उस बच्चे की माँ को इस जुर्म में मौत की सजा दी जाती है। अब उस बच्चे का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए उसे एक अनाथ आश्रम भेज दिया जाता है और वहां उस बच्चे का नाम जॉन रखा जाता है। उस अनाथ आश्रम की हालत भी इतनी ज्यादा बुरी थी कि जॉन के वहां आते ही बाकी बच्चे उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहां पर उस अनाथ आश्रम की ओनर आ जाती है और वो जॉन को बचा लेती है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और जॉन 5 साल का हो जाता है, लेकिन 5 साल का होने के बाद भी वो एक शब्द भी बोल नहीं पाता, लेकिन उसके पास एक अनोखी शक्ति होती है। दरअसल जॉन की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, जिस वजह से वो कितनी भी दूर रखी चीजों को सूंघकर बता देता है कि वो क्या है। अब धीरे धीरे और वक्त बीतता है और जॉन अब 13 साल का हो चुका था और उसने थोड़ा थोड़ा बोलना भी सीख लिया था। अब जॉन के 13 साल के हो जाने के बाद अनाथाश्रम की ओनर ये डिसाइड करती है कि वो जॉन को बेच देगी और वो उसे एक जानवरों की खाल बेचने वाले आदमी को बेच देती है। फिर जैसे ही वो जॉन को बेचकर उससे दूर जाती है, तभी वहां पर कुछ लुटेरे पैसों के लिए उसकी हत्या कर देते हैं। दरअसल जॉन में एक और शक्ति होती है कि अगर कोई भी इंसान उसे दूर जाने की कोशिश करेगा तो उस इंसान की मौत हो जाएगी, और इसी वजह से फिल्म की शुरुआत में उसकी माँ और अब अनाथ आश्रम के ओनर की मौत हो गई, क्योंकि इन दोनों ने ही जॉन को अपने से दूर कर दिया था। अब वो आदमी जिसने जॉन को खरीदा होता है वो उससे बहुत ज्यादा काम करवाता है और कुछ दिनों बाद वो उसे सामान बेचने के लिए पहली बार पेरिस की एक मार्केट में लेके जाता है। जॉन जब उस मार्केट में घूम रहा होता है तभी उसे वहां पर एक खुशबू आती है और वो उस खुशबू का पीछा करता हुआ एक दुकान के आगे आकर रुक जाता है। ये दुकान एक परफ्यूम की दुकान होती है जहाँ पर सभी लोग परफ्यूम को ट्राई कर रहे होते हैं। जॉन को ये खुशबू बहुत अच्छी लग रही होती है, पर तभी उसे एक और खुशबू आती है और फिर जॉन जब उस खुशबू का पीछा करता है तब वो देखता है कि ये खुशबू एक फल बेचने वाली लड़की से आ रही है। जॉन उस लड़की के पास जाता है पर वो लड़की जॉन को देखकर डर जाती है। उस लड़की को लगता है कि जॉन कोई भिखारी है, इसलिए वो उसे खाने के लिए फल देती है, लेकिन जॉन उस लड़की का हाथ पकड़कर सूंघने लगता है, जिससे वो लड़की घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन जॉन उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ता और वो उसे सूंघते हुए फिर से उसके पास पहुंच जाता है, पर इस बार वो लड़की जॉन को देखकर चिल्लाने लगती है, पर तभी जॉन उसका मुंह पकड़ लेता है ताकि उसकी चिल्लाने की आवाज किसी को भी सुनाई ना दे। फिर कुछ देर बाद जब जॉन अपना हाथ उस लड़की के मुंह से हटाता है तो वो देखता है कि वो लड़की मर चुकी होती है, और फिर जब जॉन उस लड़की को सूंघता है तब वो देखता है कि उस लड़की में से खुशबू आना भी बंद हो चुकी है। पेरिस में ऐसे बहुत से लोग थे जो परफ्यूम बनाया करते थे और उनमें से एक था बाल्दिनी, जो पहले बहुत मशहूर और अमीर हुआ करता था, पर अब उसकी परफ्यूम की दुकान पर कोई नहीं जाता। तभी वहां पर बाल्दिनी का एक असिस्टेंट परफ्यूम की एक बोतल लेकर आता है जिसे उसने हाल ही में बनाया था, पर बाल्दिनी उस परफ्यूम को ट्राई करने से मना कर देता है और वो खुद का एक परफ्यूम बनाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन बाद में वो उसके असिस्टेंट के परफ्यूम को ट्राई करता है और ये पता लगाने की कोशिश करता है कि उसने उस परफ्यूम में क्या क्या डाला है, पर बहुत बार ट्राई करने के बाद भी वो ये पता नहीं लगा पाता कि उस परफ्यूम को बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है। उसी रात जॉन उसके घर पर खाल की डिलीवरी देने आता है और उसके घर के अंदर आते ही जॉन को वहां पर रखी सभी परफ्यूम की सामग्री की खुशबू आने लगती है। जॉन को बाल्दिनी के हाथ से भी परफ्यूम की खुशबू आती है और तभी वो उसे बोलता है कि उसने जो परफ्यूम लगाया है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उसने उसमें कुछ चीजें जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल की हैं। अब ये सुनकर बाल्दिनी को लगता है कि शायद जॉन में कुछ खास बात है, इसलिए वो उसका टेस्ट लेने के लिए जॉन से उस परफ्यूम का फॉर्मूला पूछता है, पर जॉन उसे इसका कोई जवाब नहीं दे पाता क्योंकि वो अनपढ़ था और उसे पता नहीं था कि फॉर्मूला का क्या मतलब होता है। पर वो बाल्दिनी को ये बोलता है कि वो उसके लिए सेम परफ्यूम बना सकता है
और वो उसके लिए वैसा ही परफ्यूम बनाकर तैयार कर देता है। फिर जब बाल्दिन उस परफ्यूम को ट्राई करता है तब उसे यकीन हो जाता है कि इस लड़के में जरूर कुछ खास बात है। इसके बाद जॉन उसे बोलता है कि मैं इससे भी बढ़िया परफ्यूम बना सकता हूँ, और फिर जब जॉन उस परफ्यूम को भी बना देता है तो बाल्दिन उसे टेस्ट करने से मना कर देता है और जॉन को भी वहां से निकाल देता है। फिर जॉन के जाने के बाद जब बाल्दिन उस परफ्यूम को टेस्ट करता है तो उसे सूंघते ही उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो स्वर्ग में आ गया है। फिर अगले दिन बाल्दिनी जॉन को उस आदमी से खरीद लेता है। इसके बाद जब बाल्दिनी जॉन को वहां से ले जा रहा होता है तभी उसके पुराने मालिक की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद बाल्दिनी जॉन को सिखाता है कि किस तरह परफ्यूम बनाए जाते हैं, और इसके साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि इस दुनिया में 12 तरह के परफ्यूम हैं और आज तक कोई भी 13वां परफ्यूम नहीं बना पाया, और अगर कोई भी उस 13वें परफ्यूम को बना लेता है तो वो परफ्यूम इस दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम होगा। अब ये सुनकर जॉन बाल्दिनी को बोलता है कि वो 13वां परफ्यूम मैं ही बनाऊंगा। अब जॉन बाल्दिनी के लिए परफ्यूम बनाने का काम शुरू कर देता है, और धीरे धीरे उसकी दुकान वापस से शहर में मशहूर होने लगती है और शहर के सभी लोग सिर्फ उसी की दुकान से ही परफ्यूम खरीदते हैं। इसके बाद बाल्दिनी जॉन को परफ्यूम बनाने के सभी तरीके सिखाता है, लेकिन जॉन उसके तरीकों से खुश नहीं होता क्योंकि उसके तरीकों में अभी भी कमी थी जिस वजह से वो 13वां परफ्यूम नहीं बना पा रहा था, और इस बात से वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और इसी के चलते वो बहुत ज्यादा बीमार भी हो जाता है। अब जॉन के बीमार होने से बाल्दिनी बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि अगर जॉन मर गया तो उसका परफ्यूम का काम वापस बंद हो जाएगा। फिर एक दिन बाल्दिनी जॉन को बताता है कि अगर उसे 13वां परफ्यूम बनाना है तो उसे ग्रासो जाना होगा जो कि फ्रांस में है। लेकिन जाने से पहले बाल्दिनी जॉन से परफ्यूम बनाने के 100 फॉर्मूला सीख लेता है, और इसके बदले वो उसे खर्चे के लिए कुछ पैसे दे देता है। अब जॉन 13वां परफ्यूम बनाने के लिए ग्रासो शहर की तरफ निकल जाता है, और उसके जाते ही बाल्दिनी का घर अचानक गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब जॉन ग्रासो पहुंच जाता है और वहां पर वो एक औरत के लिए काम करता है जहां पर वो जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने के तरीके सीखता है। अब जॉन उन तरीकों का इस्तेमाल इंसानों पर करना चाहता था, और इसके लिए वो एक लड़की को किडनैप कर लेता है और उसके शरीर में से खुशबू निकालने की कोशिश करता है, पर जॉन इस तरीके में बहुत बुरी तरह से फेल हो जाता है। इसके बाद जॉन एक वैश्या को बुलाता है और वो उसे भी मारकर उस पर दूसरे तरीके का इस्तेमाल करता है, पर इस बार जॉन उसमें से खुशबू निकालने में कामयाब रहता है, और अब उसने अच्छे से सीख लिया था कि इंसानों में से खुशबू कैसे निकाली जाती है। अब जॉन अलग अलग लड़कियों के शरीर में से खुशबू निकालकर उसका परफ्यूम बनाने का फैसला करता है, और इसके लिए वो एक पार्टी में जाता है और वहां पर वो दो जुड़वा बहनों को किडनैप कर लेता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉन ने दो खुशबू वाले अलग अलग परफ्यूम बनाए हैं, जिससे हम व्यूवर्स को पता चलता है कि जॉन ने उन दोनों जुड़वा बहनों को भी मार डाला है। इसके बाद जॉन एक एक करके शहर की कई लड़कियों को किडनैप करता है और वो उन सभी को मारकर 12 तरह के अलग अलग खुशबू वाले परफ्यूम को बना लेता है। अब शहर से लड़कियों के गायब होने पर पूरे शहर में बवाल मच जाता है, और शहर के सभी लोग डर के मारे अपने घर के बाहर ताले लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है और किसी भी लड़की को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया जाता है। वहीं हम एंटोनी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इस शहर के बहुत ही मशहूर और जिम्मेदार आदमी है। एंटोनी बताते हैं कि अब तक हमें जितनी भी लड़कियां मरी हुई मिली हैं, उनके शरीर पर किसी भी तरह के जोर जबरदस्ती के निशान नहीं हैं। मतलब जो भी उन लड़कियों को मार रहा है उसका मकसद कुछ और है। अब पूरे शहर में डर का माहौल बन जाता है, इसलिए शहर के सभी लोग चर्च में फादर से मदद मांगने के लिए जाते हैं, पर तभी वहां पर भागते हुए एक आदमी आता है और वो सभी को बताता है कि वो कातिल पकड़ा गया है। पर इस बात पर एंटोनी को विश्वास नहीं होता क्योंकि जिस आदमी ने इतनी सारी लड़कियों को मार दिया है वो आदमी इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। अब एंटोनी को अपनी बेटी लॉरा की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है क्योंकि वो शहर की सबसे सुंदर लड़की थी और अब शायद जॉन का अगला शिकार वो ही थी। इसलिए जॉन ग्रासो छोड़ने का फैसला करता है और वो लॉरा को लेकर वहां से चला जाता है। पर जब वो वहां से जा रहा होता है तो जॉन को उसकी खुशबू आती है और उसे पता चल जाता है कि लॉरा ये शहर छोड़कर जा रही है, जिस वजह से वो लॉरा का पीछा करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन के पास उसी वैश्या का कुत्ता होता है जिसे जॉन ने पहले मार डाला था, और वो कुत्ता अपनी मालकिन की खुशबू को सूंघते हुए उसके जमीन में दबे हुए कपड़ों को बाहर निकाल देता है, जिसे वहां पर एक आदमी देख लेता है। तभी वो आदमी वहां पर पुलिस को बुला लेता है और छानबीन करने पर उन्हें वहां पर सभी लड़कियों के कपड़े और बाल मिलते हैं जिन्हें जॉन ने मार डाला था। वहीं दूसरी तरफ लॉरा और एंटोनी एक होटल में रुकते हैं, और रात को सोते वक्त एंटोनी लॉरा के कमरे को लॉक करके उसकी चाबी अपने पास रख लेता है, पर जॉन जैसे तैसे करके वो चाबी चुरा लेता है और वो लॉरा के कमरे में जाकर उसे भी मार डालता है। अब जॉन के पास एक और परफ्यूम की बोतल बन जाती है और फिर वो सभी परफ्यूम की बोतल को मिलाकर उसे 13वां परफ्यूम बना लेता है। पर तभी वहां पर सिपाही आ जाते हैं और वो जॉन को पकड़ लेते हैं, और यहीं से ही कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। आज जॉन को मौत की सजा सुनाई जानी है,
और शहर के सभी लोग उसे देखने के लिए वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। अब जॉन अपने बनाए हुए परफ्यूम को अपने शरीर पर लगा लेता है, जिसे सूंघने के बाद जिस आदमी ने उसे सजा देनी थी वो आदमी सबके सामने बोलता है कि जॉन बेकसूर है। इसके बाद जॉन उस परफ्यूम को एक रुमाल में लगाता है और उस रुमाल को हवा में लहराना शुरू करता है, जिसकी वजह से सभी लोगों को उस परफ्यूम की खुशबू आती है, जिसको सूंघते ही सभी लोग एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। पर जॉन वहां पर सोच रहा होता है कि उसने गलती तो की है और उसके दिमाग में वही लड़की आती है जिसे उसने पहली बार मारा था। जॉन सोचता है कि अगर उसने उस दिन उस लड़की को नहीं मारा होता तो शायद वो उस लड़की के साथ रह पाता और उसे प्यार कर पाता। अब अपने इसी दुख में जॉन वहां से चला जाता है और उसी फिश मार्केट में पहुंच जाता है जहां पर उसका जन्म हुआ था। इसके बाद वो अपनी जेब में से उस परफ्यूम की बोतल को निकालता है और वो उस पूरी बोतल को अपने ऊपर उलट देता है। वहीं पास में कुछ लोग बैठे होते हैं और वो उस खुशबू को सूंघकर जॉन के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। और यहीं पर ही जॉन का अंत होता है और इसी के साथ ही ये फिल्म भी यहीं खत्म हो जाती है।